8.2 एक्सरसाइज ओके ट्रिगनोमेट्रिक 8.2 पॉइंट एक्सरसाइज इसमें हम करने वाले हैं तो इसके अंदर जो भी आएगा उसको पहले मैं थियोटिकली समझा दूंगा फिर आप जो भी 8.2 के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और इस लेक्चर का जो पी है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो लेट्स डाइव इन दिस एक्सरसाइज चलिए देखियो एट के अंदर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में कि साइन का रेशियो क्या होता है ठीक है कॉज का रेशियो क्या होता है टेन का कोट का सेक का कोजैक का तो हमने इस तरीके से पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद ये ट्रिक पढ़ी थी हमने लर्न करने की हरी हरी बोल नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको ऊपर आपका आइकन में आ रहा होगा वो उसको जाके देख लो पहले उसके बाद में ये जब लेक्चर देखोगे तो आपको आसानी होगी वैसे आप देख सकते हो इसको भी चलो स्टार्ट करते हैं तो ये हमने देख लिया था इनको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं ये आपके राइट एंगल ट्रेंगल के रेशियोज़ होते हैं राइट एंगल ट्रेंगल की साइड्स होती हैं उन साइड्स को हम उन रेशोज़ की फॉर्म में लिखते हैं तो साइन की वैल्यू आ जाती है इस वाले जो एक्सरसाइज उसमें हम क्या देखने वाले हैं इसमें देखने वाले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास में कोई भी एक टावर है ये आपका कोई भी एक टावर है या बिल्डिंग है और यहाँ पे आप खड़े हुए हो और ये डिस्टेंस है आपकी तो यहाँ से आप इंक्लाइनोमीटर इंक्लाइनोमीटर क्या होता है किसी भी बिल्डिंग का नीचे खड़े होकर एंगल पता करना बेस से एंगल पता करना मतलब ये एंगल आपने पता कर लिया अब आपको निकालनी है इसकी हाइट फॉर एग्जाम्पल आपको निकालनी है यहाँ पे हाइट निकालनी है आपके टावर की ठीक है तो जब आपको हाइट निकालनी है टावर की तो आप कितने डिस्टेंस पे खड़े हुए हो ये तो आप निकाल ही सकते हो मतलब आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया फॉर एग्जाम्पल आप x मान लेते हैं इसको x मीटर पे खड़े हुए हो हो सकता है दस मीटर पे बीस मीटर पे कितने भी मीटर पे अब इस एंगल की हेल्प से और इस डिस्टेंस की हेल्प से आपको हाइट निकालनी है आपके टावर की ये इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करेंगे यहाँ पे हाइट निकालने के लिए तो देखिए अगर आपके पास में कोई भी एक साइड है सिंगल साइड है राइट एंगल ट्र की सिंगल साइड है और एक एंगल है तो उसकी हेल्प से आप कोई भी चीज निकाल सकते हो कोई भी साइड निकाल सकते हो कैसे निकालते हैं वो इसमें देखते हैं तो आपको पता है रेशियोज तो पता ही है आपको कि रेशियो क्या होता है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने देखा था कि पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल तो पी अपोन में एच साइन का रेशियो होता है मतलब परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनियस आपका साइन का रेशियो होता है बी अपोन में एच बेस अपन में हाइपोटेनियस कोज का रेशियो होता है और पी अपोन में बी जो टेन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस आपका टेन का रेशियो होता है और नेक्स्ट होता है आपका बोल हरीहरी हरी, ये ट्रिक होती है लर्न करने की पंडित बद्री प्रसाद तो फिर ये कोट का रेशियो आ गया फिर ये आपका कोजेक सेक का रेशियो फिर ये कोजेक का रेशियो इस तरीके से रेशियोज़ होते हैं टिक्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोलते हैं इनको अब इनकी हेल्प से उस इस एंगल की हेल्प से हम इस टावर की हाइट फाइंड कर लेंगे ओके कैसे करेंगे देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूँ टेन मीटर ठीक है टेन मीटर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया कि आप टावर के बेस से आप टेन मीटर डिस्टेंस पे खड़े हुए हो ठीक है ये तो आप इजीली निकाल ही लोगे कोई भी कितनी भी बड़ी ऊंची आपकी बिल्डिंग हो उससे आप कितने डिस्टेंस पे खड़े होते हो वो आपकी खुद की मर्जी होती है यहाँ पे आपने इंक्लाइनोमीटर अब इंक्लाइनोमीटर क्या होता है ये बेस से किसी भी हाइट का आपका वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मेजरली आप इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर देखते हो इंजीनियरिंग सर्वे में इसका यूज़ होता है ठीक है तो आपने थीटा निकाल लिया मतलब एंगल निकाल लिया अब देखिए कैसे इसको फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको फटाफट फटाफट सारे रेशियोज लिख देता हूँ देखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपोन में एच होता है कॉज थीटा इज इक्वल टू बी अपोन में एच होता है बेस अपोन में हाइपटेनियस होती है और टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपोन में बी मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है तो ये तीन होते हैं स्टार्टिंग के जिनका रेशियोज आपको पता होता है उसके बाद कोर्ट का भी रेशियो आपको पता है कोर्ट का रेशियो यहाँ लिख रहा हूँ कोर्ट

एच मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर तो ये रेशियोज़ होते हैं साइन का हो गया आपका पी अपॉन में एच कोस का हो गया कोस थीटा का हो गया बी अपॉन में एच टेन थीटा का हो गया पी अपॉन में बी कोर्ट का हो गया बी अपॉन में पी और सेक का एच अपॉन में बी कोसैक का एच अपॉन में पी तो इस तरीके से हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर और आपका बेस इनका रेशियोज़ हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए अलग अलग होता है अब देखते हैं यहाँ पे हमको निकालनी है हाइट तो आपके पास में गिवन क्या है देखो आपको हाइट निकालनी है तो हाइट क्या होगी परपेंडिकुलर होगी हाइट, ठीक है। बेस पता है आपको कितना है? 10 हमने किया था यहां पे? Okay. कितना भी हो सकता है आपने 10 की तो 60 थी. लेते हैं। कितनी भी आ सकती है आपने मेजर की तो सिक्सटी डिग्री यहाँ पे वैल्यू आई अब आपके पास में परपेंडिकुलर है बेस है और थीटा है तो ऐसा रेशियो देखो जिसमें पी बी आ रहा हो मतलब परपेंडिकुलर और बेस आ रहा हो तो देखो कोट में आ रहा है पी बी दोनों में आ रहा है और एक आप बोलोगे कि टेन में भी तो आ रहा है टेन में भी तो पी अपोन में बी आ रहा है तो आपकी मर्जी आप चाहो तो कोर्ट थीटा का यूज कर सकते हो यहाँ पे आप चाहो तो टेन थीटा का यूज कर सकते हो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे टेन थीटा का यूज़ कर रहा हूँ तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है राइट अब देखो टेन थीटा क्या था टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या था ये तो मुझे निकालना था एच था बेस क्या था टेन मीटर था तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी और थीटा की वैल्यू क्या होगी थीटा ऐसा एंगल जो कि आपने मेज़र किया तो यहाँ पे टेन सिक्सटी डिग्री ओके टेन सिक्सटी डिग्री और एच अपॉन में टेन आ गया अब मुझे एच निकालना है अगर मुझे टेन थीटा मतलब टेन सिक्सटी की वैल्यू अगर पता होगी तो मैं इजीली एच की वैल्यू निकाल लूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा टेन को तो यहाँ पे टेंथ सिक्सटी की वैल्यू क्या होगी ये क्वेश्चन यहाँ पे उठता है तो अब जरूरी नहीं कि टेन सिक्सटी की यहाँ पे टेन सिक्सटी आए टेन थर्टी भी आ सकता था जीरो भी कुछ भी आ सकता था कोई भी थीटा आ सकता था यहाँ पे क्योंकि हर बिल्डिंग का अलग एक एंगल होता है तो इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो ठीक है तो अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ती है जिसको टिग्नोमेट्रिक रेशियो की या फिर टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की टेबल बोलते हैं

ओके okay. अब आप बोलोगे कि हर एक एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी नहीं आपकी कुछ लिमिटेड वैल्यू ही यहां पे यूज करनी होती है कौन कौन सी आपको यहाँ पे जीरो डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए थर्टी की फोर्टी फाइव की सिक्सटी डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए और नाइन्टी डिग्री की वैल्यू बस यही वैल्यू आपके सिलेबस में और यही वैल्यू आती है ठीक है अब ये कैसे निकालेंगे इनकी वैल्यू देखो यहां पे जो लिखूंगा ना मैं वो साइन ज़ीरो की वैल्यू होगी साइन और जीरो दोनों मिल रहे हैं ना यहाँ पे तो साइन और जीरो की वैल्यू होगी जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे जो लिखूंगा वो कॉस जीरो की होगी यहाँ पे लिखूंगा वो साइन की फोर्टी फाइव की वैल्यू होगी अच्छा तो ये बताओ निकालते कैसे तो इसकी ट्रिक है बहुत ईजी आप क्या करो ज़ीरो से लेके सबसे पहले ज़ीरो से लेके कर फोर तक काउंटिंग लिख दो जीरो वन टू थ्री एंड फोर और सबको फोर फोर से डिवाइड कर दो फोर डिवाइडेड बाई फोर डिवाइडेड बाई फोर डिवाइडेड बाई फोर और डिवाइडेड बाई फोर ओके इतना कर दिया आपने उसके बाद में इनको कैलकुलेट कर लो कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा ज़ीरो आएगा ठीक है तो यहाँ पे जीरो अपॉन फोर लिखा तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो यहाँ पे आई आपकी ज़ीरो ठीक है और यहाँ पे तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकता ये हो सकता है टू वन या टू 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 जै फोर तो वन अपॉन में टू यहाँ पे लिख दिया ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकता ये हो सकता है वन आ सकता है अब जो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आई उसका रूट कर दो ये तो कैलकुलेट हुआ ही नहीं था तो इसका खुद का रूट करेंगे इसका भी रूट कर दो और इसका पूरे का रूट कर दो और यहाँ पे वन का रूट कर दो अब जो वैल्यू निकल के आते हैं जीरो का रूट क्या होता है जीरो जीरो का रूट जीरो होता है ठीक है जीरो का रूट जीरो होता है तो उसको साइन के आगे यहां पे लिख दो वन का रूट क्या होता है वन और फोर का रूट क्या होता है टू ठीक है आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग रूट में डिवाइड हो जाता है कैसे ऐसे देखो एक्स अपॉन में वाई अगर रूट में है एक्स अपॉन में वाई रूट में है तो हम लिख सकते हैं रूट एक्स अपॉन में रूट वाई ये तो पता ही होगा आपको तो यहाँ पे हमने यही चीज फॉलो की है कि देखो वन का रूट होता है वन वन का अगर रूट करोगे तो वन होता है फोर का टू होता है आपको पता है अब यहाँ पे ऊपर ऊपर में वन है और नीचे में टू है तो वन वन का रूट वन लेकिन रूट टू का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती तो हम इसको रूट टू ही छोड़ देते हैं ठीक है थीके? उसके बाद में यहां पे रूट थ्री की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आती तो रूट थ्री और फोर का रूट होता है टू और वन का रूट होता है वन तो ये वैल्यूज आपकी आ गई क्या क्या जीरो साइन जीरो की जीरो थर्टी की व... थर्टी डिग्री की आपकी वैल्यू आ गई कितनी वन बाई टू फिर वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू और वन इस तरीके से आपकी साइन की सारे एंगल्स की जो जो रिक्वायरमेंट है आपके सिलेबस में उनकी वैल्यूज आ गई कोज की कैसे निकालते हैं कोज की निकालने का सबसे आसान तरीका है टेबल बनाते टाइम आप जस्ट इनवर्स लिख दो ये वन नाइन्टी पर है ना साइन में वन जो है वो पीछे है तो आप कोज में जीरो पे लिख दो मतलब यहाँ पे वन लिख दो रूट थ्री पीछे है तो इसको उठा के आगे लिख दो तो रूट थ्री बाई टू लिख दो यहाँ पे फिर वन बाय रूट टू को एज इट इज यहीं लिखेंगे जस्ट पकड़ के आपको उल्टा कर देना है वन बाई टू यहां लिखेंगे और फिर यहां लिखेंगे जीरो तो ये वैल्यूज आपकी कॉज क्या आएगी कॉज का निकालना सबसे ही ईजी होता है समझ में आ गई बात इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अब टेन का कैसे निकालेंगे टेन की वैल्यूज कैसे निकालेंगे तो देखो टेन क्या होता है मैं आपको बताऊँ टेन का एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉज थीटा अब आपके दिमाग में आएगा ये कैसे पॉसिबल है देखो ये ऐसे पॉसिबल है आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद रेशो से हरी हरी बोल देखो थीटा का रेशियो क्या होता है पी अपॉन में तो यहां लिखेंगे अपॉन अपॉन में में ओके का क्या होता है एच डिवाइडेड बाय बी अपॉन में एच कॉज का रेशियो क्या होता है बी अपॉन में एच बेस अपॉन में हाइपोटेनियस अब ये जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा मतलब पी अपॉन में एच टू एच ऊपर जाएगा बेस नीचे रहेगा तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कैंसिल और पी एपोर में बी तो देखो दोनों के रेशियोज सेम आ गए अगर आप टेन थीटा को साइन थीटा और कॉस्टीटा थीटा थीटा के इक्वल लिखते हो तो उनके रेशियोज भी इक्वल आते हैं तो इतनी बात आपको समझ में आ गई ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस्ट थीटा तो टेन थीटा की जो भी वैल्यू जैसे यहाँ पे आपको टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है टेन जीरो डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करो हर जगह थीटा को जीरो कर दो साइन जीरो क्योंकि साइन के आपको पता है और कॉज के अभी पता है तो कॉज जीरो अगर साइन जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू को आप डिवाइड में रखोगे डिवीजन में लिखोगे तो आपको मिल जाएगी टेन जीरो की वैल्यू समझ में आएगी इसी तरीके से आपको टेन थर्टी की वैल्यू निकालनी है टेन थर्टी की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे आप साइन थर्टी डिवाइडेड बाय कोज थर्टी तो आपकी साइन थर्टी की वैल्यू सॉरी टेन थर्टी की वैल्यू आ जाएगी तो इस तरीके से आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और यू विल गेट द आंसर ठीक है तो चलिए निकालते हैं यहाँ पे निकालते हैं हम सबसे पहले टेन जीरो की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं टेन ज़ीरो की वैल्यू तो देखो टेन जीरो टेन ज़ीरो डिग्री इज इक्वल टू साइन ज़ीरो डिग्री डिवाइडेड बाय कोज ज़ीरो डिग्री ओके अब साइन ज़ीरो की वैल्यू जीरो है कौज की वन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं जीरो डिवाइडेड बाय वन अब जीरो बाई वन क्या होता है ज़ीरो होता है तो टेन ज़ीरो की वैल्यू कितनी आएगी जीरो आएगी बात आ गई समझ में इतना तो आ गया समझ में ओके वॉट नेक्स्ट टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होगी टेन थर्टी डिग्री तो टेन थर्टी डिग्री इज इक्वल टू साइन थर्टी डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस थर्टी डिग्री ओके तो यहाँ पे कॉस थर्टी की और साइन थर्टी की वैल्यू आपको वन बाई टू रूट थ्री बाई टू वन बाई टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री बाई टू अब आपको ये तो पता है कि ये रेसिप्रोकल होगा वन बाई टू आप डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा टू ऊपर चला जाएगा और रूट थ्री नीचे टू से टू कैंसिल आंसर विल बी वन बाय रूट थ्री तो आंसर आएगा वन बाय रूट थ्री वन बाय रूट थ्री उसके बाद में वन बाय टू को वन बाय सॉरी वन बाय रूट टू को यहाँ पे टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे साइन फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय कॉस फोर्टी फाइव इन दोनों की आपको वैल्यूज रखनी है इन दोनों की वैल्यू सेम है वन बाई रूट टू डिवाइडेड वन बाय रूट टू अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वन वन जा आ, वन आ जाएगा रूट टू वन बाई रूट टू इंटू वन बाई रूट टू दोनों को कैंसिल करोगे तो जीरो नहीं आता याद रखना वन आता है ठीक है तो यहाँ पे आएगा कितना वन अब देखो नेक्स्ट सिक्सटी की वैल्यू निकालोगे तो साइन डिवाइडेड बाय कॉज कर दो मैं यहाँ पे सीधा कर रहा हूँ साइन डिवाइडेड बाई कॉज साइन को कॉज से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे टेन सिक्सटी की वैल्यू निकालोगे तो साइन की वैल्यू क्या है रूट थ्री बाई टू और वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू और वन बाई टू वन बाई टू यहाँ पर ऐसी प्रोकल करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा रूट थ्री अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो समझाने जा रहा हूँ टेन नाइन्टी डिग्री देखो टेन नाइन्टी डिग्री का मतलब होता है साइन नाइन्टी की वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस नाइन्टी की वैल्यू अब साइन नाइन्टी की वैल्यू कितनी है वन और कॉस नाइन्टी की वैल्यू है ज़ीरो ठीक है अगर किसी भी नंबर को दुनिया में किसी भी नंबर चाहे कितना भी हो एक हज़ार को भी अगर आप जीरो से डिवाइड करोगे ना किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या होता है इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड तो उसका साइन होता है इस तरीके से लेटा हुआ आठ है ना एट को लेटा दो इसका साइन होता है किस चीज़ का साइन होता है नॉट डिफाइंड का क्यों होता है नॉट डिफाइंड क्योंकि आप किसी भी चीज़ को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते आप जीरो से डिवाइड कभी किसी चीज़ को कर ही नहीं सकते मतलब मैं बोलूँ आपको टू डिवाइडेड बाई जीरो मतलब क्या है समझ रहे हो कि देखो मैं बोलता हूं सिक्स को टू से डिवाइड करो इसका मतलब है कि ऐसा नंबर बताओ जो दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो सके तो थ्री एंड थ्री देखो ऐसे तो आंसर आया थ्री समझ में आ गया दो बराबर पार्ट में लेकिन मैं आपसे बोलूँ टू को जीरो में डिवाइड करो तो जीरो में डिवाइड हो ही नहीं सकता तो नॉट डिफाइंड तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा नॉट डिफाइंड वी कांट डिफाइन द वैल्यू ओके अब टेन का निकल गया तो कोर्ट का निकालने का सबसे आसान तरीका जैसे साइन से कोस निकाला था वैसे ही टेन से कोर्ट निकालते हैं जस्ट उल्टा लिख दो नॉट डिफाइंड को सबसे आगे रूट थ्री को उसके बाद वन वन बाई रूट थ्री एन जीरो बहुत काम आने वाली है टेबल पूरे के पूरे चैप्टर में उसके बाद में आते हैं सेक पे तो देखो सैक जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है सेक जो होता है वो इनवर्स होता है किसका सेक थीटा रोके सेक थीटा इज इनवर्स टू वन अपॉन कॉस थीटा ठीक है अच्छा प्रूव करके बताता हूँ कैसे वही निकाल लेते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद रेशियोज को हरी हरी बोल और बोल हरी हरी डिवाइडेड बाय पंडित बद्री प्रसाद तो यहाँ पे सेक का रेशियो क्या है एच अपॉन में बी एच डिवाइडेड बाय बी वन अपॉन कॉज का रेशियो क्या है यहाँ पे देखो कौज का रेशियो बी अपॉन में एच b अपोन में एच अब ये जब सॉल्व होगा तो रेसिप्रोकल होगा एच ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा तो एच अपोन में बी इज इक्वल टू एच अपोन में बी तो हम बोल सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा समझ में आ गया तो यहाँ पे अगर मुझे सेक जीरो की वैल्यू निकालनी है तो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे सेक जीरो डिग्री की वैल्यू निकालनी है मान लो ये जीरो डिग्री है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना वन अपोन में आपको कॉस जीरो की वैल्यू पता है तो वन अपॉन में कॉस जीरो कर दो सिंपल सी बात है तो यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले sec जीरो की वैल्यू तो देखो cos की वैल्यू कितनी है वन है तो यहाँ पे क्या करेंगे sec ज़ीरो डिग्री इज इक्वल टू वन अपन में cos जीरो डिग्री तो cos जीरो डिग्री की वैल्यू क्या है वन तो वन अपौन में वन की वैल्यू क्या होती है वन होती है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी वन बात आ गई समझ में नेक्स्ट आपको निकालनी है तो सेक थर्टी डिग्री की तो वन अपॉन में कॉस थर्टी डिग्री इज इक्वल टू वन अपॉन देखो कॉस थर्टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू तो ये जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा टू बाई रूट थ्री आ जाएगा टू बाई रूट थ्री तो सेक थर्टी की वैल्यू टू बाय रूट थ्री ठीक है उसके बाद में आपको निकालनी है फोर्टी फाइव की तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर दो वन अपॉन रूट टू को जब रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी रूट टू वन बाई टू को ऐसी प्रोबल करेगा तो टू अब वन बाई जीरो आ गया देखो ये जो है वो जीरो है तो मैंने बताया था वन बाय जीरो की वैल्यू क्या होती है हमेशा नॉट डिफाइन यू कॉन्ट डिफाइन ओके कॉजैक की वैल्यू कैसे निकालेंगे जैसे हमने कॉर्ट की निकाली जैसे हमने कॉस की निकाली वैसे ही आप कॉजैक की निकालोगे जस्ट उल्टा लिख दो ऐसे पकड़ के जस्ट इसको चेंज कर दो तो इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा टू यहाँ आ जाएगा रूट टू यहाँ आएगा और टू बाई रूट थ्री यहाँ पर आएगा और वन यहाँ आएगा तो ये आपकी सारी की सारी वैल्यूज हैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं जो कि आपको जरूरत पड़ने वाली है अब हमें चलते हैं उसी क्वेश्चन पे हमें क्या निकालना था अगर हमें टेन सिक्सटी की वैल्यू मालूम होती तो हम हाइट निकाल लेते तो देखो यहाँ पे टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होगी टेन सिक्सटी की वैल्यू होगी यहाँ पे रूट थ्री क्या होगी रूट थ्री तो यहाँ पे लिखेंगे टेन सिक्सटी की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पे टेन सिक्सटी डिग्री हमको मालूम है रूट थ्री है तो यहाँ पे जो रूट थ्री लिखेंगे इक्वल टू एच अपॉन में टेन और एच को निकालने के लिए आप टेन्थ को देखो ये डिवाइड में है तो एल एच एस से आर एच एस जब शिफ्ट होता है तो डिवाइड से किस में देखो मैं आपको समझाता हूँ जब कोई भी चीज एल एच एस से आर एच एस की तरफ या आर एच एस से एल एच एस की तरफ इक्वल के साइन के शिफ्ट होती है तो मल्टीप्लाई हमेशा किस में डिवाइड डिवाइड में जाता है और डिवाइड हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है प्लस जो होता है वो माइनस में जाता है और माइनस हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है तो यहाँ पे जो होगा टेन वो मल्टीप्लाई में जाएगा तो टेन मल्टीप्लाई बाई रूट थ्री तो टेन रूट थ्री विल बी द हाइट तो इस तरीके से हम इसका यूटिलाइज करेंगे इस टेबल का तो बेसिकली पूरे के पूरे इस वाले चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं इस टेबल का यूज़ करना देखने वाले हैं इस टेबल का यूज़ करके मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं ओके तो चलिए इस इस क्वेश्चन को करते हैं आप सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो ठीक है पॉज द वीडियो पॉज द वीडियो राइट नाउ आई होप आप खुद ने ट्राई किया होगा इसको और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताओ कि क्या आया वैल्यूज़ कहाँ से पुट करें सर वैल्यूज़ यहाँ से पुट करनी है सारी की सारी ठीक है तो देखो कैसे होगा ये सॉल्व करता हूँ मैं इसको बहुत ही ज़्यादा इजी है ये चैप्टर देखिए क्या करना है यहाँ पे साइन सिक्सटी है मैं यहाँ पे पुल पहले क्वेश्चन लिखता हूँ साइन सिक्सटी डिग्री कोस थर्टी डिग्री प्लस साइन थर्टी डिग्री और कोस सिक्सटी डिग्री अब साइन सिक्सटी की वैल्यू क्या होगी देखो साइन सिक्सटी की वैल्यू है रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू अब बोलोगे याद नहीं होगा हमको ये वैल्यूज धीरे धीरे याद हो जाएगा नहीं होगा तो टेबल बना लेना एग्जाम में जाते ही कॉज कैसे ऐसे जो मैंने अभी बनाई है ठीक है इन टू कॉस थर्टी की वैल्यू क्या होती है देखो कॉस थर्टी की वैल्यू होती है रूट थ्री बाई टू अगेन रूट थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू प्लस साइन थर्टी साइन थर्टी की वैल्यू होती है आपकी वन बाई रूट टू सॉरी वन बाई टू है ना वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू इंटू कॉस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है देखो कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू तो यहाँ पे वन बाई टू इंटू वन बाई टू ओके अब इसको कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे देखो रूट थ्री इंटू रूट थ्री अब जब रूट की जो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो रूट हट जाता है अच्छा ऐसे क्यों होता है मैं समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल रूट एक्स है उसको रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हो ना आप आपको पता है रूट का मतलब क्या होता है किसी भी नंबर के ऊपर रूट लगता है उसका मतलब होता है उस नंबर की पावर वन बाई टू इन टू एक्स की पावर वन बाई टू आपको पता है कि पावर मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है आपने पढ़ा होगा ना ए एम इंटू बी एन तो आपका होता है ए की पावर एम प्लस एन पढ़ा होगा ये हंड्रेड परसेंट तो यहाँ पे एक्स की जगह वाई ले लो कोई नहीं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ऐड होगी तो आधा प्लस आधा मतलब कि एक्स इंटू वाई सॉरी दिस इज नॉट वाई दिस इज एक्स ओके तो एक्स इंटू एक्स की पावर वन बाई टू प्लस वन बाई टू मतलब वन हो जाएगी तो जब रूट की सिमिलर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है तो रूट हट जाता है उसके ऊपर तो रूट थ्री से रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो थ्री आएगा टू से टू मल्टीप्लाई होगा तो फोर आएगा क्लियर इतनी बात इसके बाद में यहाँ पे आप क्या करना है वन वन जे वन देखो प्लस का साइन एज इट इज वन वन जे वन टू टू जो फोर अब इसको आगे जब सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं करना जस्ट आपको एलसीएम लेना है यहाँ पे फोर को आप एलसीएम लोगे आपका काम हो गया तो यहाँ पे आप थ्री बाई फोर प्लस वन बाई फोर ओके यहाँ पे आपने एलसीएम लिया क्या फ़ोर को एलसीएम लिया तो फोर आपको पता है एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले डिवाइड करते हैं इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वन आएगा और वन को फिर जो आंसर आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करता है तो थ्री वन या थ्री प्लस में वन आएगा इसको जब डिवाइड करोगे तो वन जा वन यान ओके तो थ्री प्लस वन फोर होता है डिवाइडेड कैंसिल आउट करोगे यू विल गेट द वन ओनली तो दिस इज योर आंसर इस क्वेश्चन को इजीली आपने आंसर बताया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में और कर भी लिया होगा आगे चलते हैं ये क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेन स्क्वायर मतलब टू टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव आपको किस किस की वैल्यू पता होनी चाहिए यहाँ पे पता होनी चाहिए वैल्यू फोर्टी फाइव की कोस थर्टी की और साइन सिक्सटी की अब बोलोगे स्क्वायर आ गया अब स्क्वायर का क्या करना है देखिए कुछ नहीं करना वैल्यू जो आएगी उसको लिख के स्क्वायर कर देना है तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी आप खुद से पॉज करके इसको सॉल्व करने की ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर लिखें ठीक है आई होप आपने सॉल्व किया होगा तो अब चलते हैं आगे देखो इसको क्या कुछ नहीं करना जस्ट आपको इसको मल्टीप्लाई करना है जैसे हम करते हैं नॉर्मल तो टू मल्टीप्लाई बाय अब टेन फोर्टी फाइव है वो भी स्क्वायर में है तो सबसे पहले टॉन टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू देख लेते हैं कि टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है आपकी वन ठीक है टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी हुई वन टेबल में पता चला वन और वन का करना है स्क्वायर ठीक है इतना हो गया फिर प्लस का साइन एज इट इज़ आपने यहाँ पर लिख दिया उसके बाद में है कॉस थर्टी का स्क्वायर तो सबसे पहले कॉस थर्टी की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कॉस थर्टी की वैल्यू कितनी है रूट थ्री बाई टू और इसका क्या है स्क्वायर है कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू इसका क्या करना है स्क्वायर करना है फिर माइनस का साइन एज इट इज़ फिर साइन सिक्सटी की वैल्यू पता करनी है साइन सिक्सटी की वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन सिक्सटी की वैल्यू है रूट थ्री बाई टू अगेन रूट थ्री बाई टू तो यहाँ पे रूट थ्री बाई टू इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देना है अब क्या करना है इसको सॉल्व करना है वन का स्क्वायर वन होता है और फिर टू से मल्टीप्लाई होता है टू वन या टू ओके प्लस रूट थ्री का स्क्वायर देखो क्या होता है मैं आपको बताता हूं ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर है तो वो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाता है आपको पता होगा ये नहीं पता तो अभी पता चल गया ठीक है तो बात समझ में आ गई कि क्यों लिखा जाता है तो यहां पे आप लिख सकते हो रूट थ्री का स्क्वायर मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझ आए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए रूट थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे नीचे डिनोमेटर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे वन लिख देंगे अब यहाँ पे टू अपॉन में वन लिखा प्लस में रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है थ्री होता है और टू का स्क्वायर होता है फोर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री और टू का स्क्वायर होता है फोर अब देखो दोनों चीज़ें सेम है लेकिन साइन अलग है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या टू बाई वन लिख दो या फिर टू लिख दो तो टू विल बी योर आंसर आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत बच्चों जैसे क्वेश्चन है ये कुछ भी नहीं है इनमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दिस इज द क्वेश्चन ओके पॉज द वीडियो ट्राई टू सॉल्व दिस ओके इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे आपको चाहिए कॉस 40 की 45 की वैल्यू सेक 30 की वैल्यू और कॉस 30 की वैल्यू तो सबसे पहले ये वैल्यूज़ को देख लेते हैं कॉस 45 सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज़ को देख आप चाहो तो साइड में ऐसे लिख सकते हो कॉस 45 की क्या होगी सेक 30 की क्या होगी कॉसैक थर्टी की क्या होगी ठीक है इस तरीके से आप वैल्यूज को यहाँ पे लिख सकते हो ओके आप चाहो तो लिख सकते हो नहीं तो फिर डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो अगर आप प्रो लेवल पे पहुंच चुके हो इसमें तो यहां पे देखते हैं सबसे पहले कॉस थर्टी की कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होगी ठीक है रूट थ्री बाई टू तो यहाँ पे सॉरी फोर्टी फाइव की देखनी थी आई एम सॉरी तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होगी देखो कॉस्ट फोर्टी फाइव की वैल्यू होगी आपकी वन बाय रूट टू तो यहाँ पे लिख सकते हो वन बाय रूट टू आप चाहो तो ऐसे साइड में लिख सकते हो उससे आपको आसानी होगी चीजों करने में सेक्ट थर्टी की वैल्यू क्या होगी है ना सेक थर्टी की वैल्यू होगी आपकी टू रूट टू बाई रूट थ्री और कॉशेक्स थर्टी की वैल्यू क्या होगी कॉसैक्ट थर्टी की वैल्यू होगी टू ठीक है ये वैल्यूज आपको पुट करनी है देन गेट द आंसर तो सबसे पहले कॉस्ट फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या है रूट थ्री बाई टू आई एम सॉरी कोस फोर्टी फाइव की वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू डिवाइडेड बाय सेक्ट थर्टी की वैल्यू तो यहाँ पे सेक्स थर्टी की वैल्यू है टू बाई रूट थ्री टू बाय रूट थ्री प्लस कौेक थर्टी की वैल्यू क्या है कौेक थर्टी की वैल्यू है टू तो यहाँ पे टू अब यहाँ पे अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या है आपका डिनोमेटर में कुछ भी नहीं है तो आपको यहाँ पे वन पुट करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमीटर को पूरा कंप्लीट सॉल्व करना पड़ेगा तो डिनोमीटर को कैसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो वन बाय रूट टू रहने दो नीचे वाले को सॉल्व मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब यहाँ पे कैसे करना है देखो टू बाई रूट थ्री टू बाय रूट थ्री प्लस में टू है इसको अलग से बता रहा हूँ मैं तो इसमें क्या होता है कि एलसीएम लेना होता है एलसीएम लेना तो क्या 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 करना है कुछ मत करो यार नीचे वाले डिनोमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया करो सबसे ईजी तरीका है तो यहाँ पे आ गया अब इससे इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले तो रूट थ्री बाई रूट थ्री करेंगे तो कितना आएगा वन अब जो वैले आंसर well आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसको इससे डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है उसको आपके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन टू वन को टू से करेंगे तो टू वन या टू प्लस अब इससे इसको डिवाइड करते हैं मतलब वन से मतलब रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन करते हैं ना कि वन बाई रूट थ्री करते हैं याद रखना मैंने जो एरो लगा था इससे इसको डिवाइड करते हैं मतलब रूट थ्री बाई वन करते हैं जो आंसर आता है उससे ऊपर वाले डिनोमेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट थ्री इंटू टू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू रूट थ्री समझ में आ गया तो ये आपकी वैल्यू आएगी नीचे डिनोमेटर में ओके अब यहाँ पे इसको लिख देंगे इस तरीके से यहाँ आपका क्या आया टू प्लस टू रूट थ्री टू प्लस टू रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट थ्री नो प्रॉब्लम

टू रूट टू देखो ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी इससे भी मल्टीप्लाई होगा ये और इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो आप देखो रूट की जो वैल्यू होती है ना रूट टू इंटू रूट थ्री जो होगा वो क्या लिखा जाएगा तो रूट सिक्स लिखा जाएगा याद रखना है रूट सिक्स लिखा जाएगा तो यहां पे इसको लिखेंगे प्लस टू रूट सिक्स अब आगे सॉल्व हो सकता है हाँ बिल्कुल हो सकता है कैसे सॉल्व होगा रूट थ्री एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में डिनोमेटर में टू आप कॉमन ले सकते हो और रूट टू प्लस रूट सिक्स दिस विल बी योर आंसर ओके तो आपको कुछ नहीं करना जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करना है एलसीएम लेने मैंने आपको बता ही दिया दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या करना है साइन थर्टी की वैल्यू आपको पुट करनी है टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू पुट करनी है कौशेक्ट सिक्सटी की वैल्यू पुट करनी है चलिए इसको करते हैं ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने की देखिए साइन थर्टी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए टेन फोर्टी फाइव की पता होनी चाहिए कॉशेक् थर्टी मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे आपको सीधा लिख रहा हूँ सबसे पहले साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है तो साइन थर्टी की वैल्यू होती है 1 by 2. प्लस की वैल्यू क्या होती है तो देखो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी वन होती है वन डिवाइड में कुछ नहीं है तो मैं वन लिख देता हूँ टू सॉल्व इन फ्यूचर माइनस का साइन है फिर कॉशेक्स सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है तो कॉशेक्स सिक्सटी की वैल्यू होती है आपको टू बाई रूट थ्री कॉशेक्स सिक्सटी टू बाय रूट थ्री डिवाइडेड बाय सेक थर्टी की वैल्यू देखियो सेक थर्टी की वैल्यू क्या होती है टू बाई रूट थ्री टू बाई रूट थ्री उसके बाद है कॉस सिक्सटी की वैल्यू तो कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू प्लस का साइन है वन बाई टू फिर प्लस का साइन है कॉट फोर्टी फाइव की वैल्यू तो कॉट फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन ठीक है वन के नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमीटर में तो मैंने यहां पे वन लिख दिया अब इसको सॉल्व कर देंगे कैसे पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे फिर जो वैल्यू आएगी उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अग, अगर आप चाहो तो मैं यहीं पर ही आपका सॉल्व कर देता हूँ इसको एल्सियम लेना अगर आपको आ गया तो देखो यहाँ पे एल्सियम लेने का सबसे अच्छा तरीका है जो भी चीज़ डिनोमेटर में हो उसको मल्टीप्लाई कर दिया कर दो रूट थ्री इंटू टू इंटू वन करोगे तो कितना आएगा टू रूट थ्री आएगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू रूट थ्री ओके अब इसको जब डिवाइड करोगे टू से तो आएगा रूट थ्री इंटू वन करोगे तो रूट थ्री ऊपर आएगा वन से मल्टीप्लाई होके ओके प्लस वन से इसको डिवाइड करोगे तो टू रूट थ्री आएगा उस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो टू रूट थ्री अगेन टू रूट थ्री अगेन उसके बाद माइनस का साइन अब इसको रूट थ्री टू रूट थ्री को रूट थ्री से डिवाइड करोगे जैसे टू रूट थ्री है उसको रूट थ्री से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आ जाएगा कितना बचेगा टू और जो वैल्यू आती है उसको ऊपर वाले से टू से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर आएगा क्लियर इतनी बात समझ में आ गई है इसके बाद इसको डिवाइड कर दो नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे भी आपका टू रूट थ्री आएगा द एलसीएम विल बी टू रूट थ्री टू रूट थ्री अब रूट पहले है रूट थ्री से डिवाइड करना है तो टू आएगा टू टू या फोर क्लियर इसके बाद में अगेन आपको क्या करना है यहाँ से टू से डिवाइड होगा तो आंसर आएगा यहाँ पे रूट थ्री वन से मल्टीप्लाई होने पर रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री अब इनको क्या करो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं तो देखिए ऊपर वाले में आपको यहां पे ये दोनों ये दोनों नहीं हो सकते यहां पे ये दोनों नहीं हो सकते तो कुछ नहीं करना जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है वैल्यूज को तो जब रेसिप्रोकल करेंगे उसके बाद में इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे तो रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर ज डिवाइडेड बाय टू रूट थ्री अब रेसिप्रोकल होगी ये वैल्यू और ऊपर जाएगा टू रूट थ्री टू रूट थ्री जो होगा वो न्यूमिनेटर में जाएगा और डिवाइड होगा यहां पे फोर प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री फोर प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री ये दोनों वैल्यू सेम है डिवाइड हो जाएंगे ठीक है अब बचा क्या है यहां पर यहां पर आपके पास में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको यहां लिख लेंगे रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री माइनस फोर इज डिवाइडेड बाय फोर प्लस रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री ऊपर कुछ कॉमन आ सकता है ऊपर तीनों में से कुछ भी कॉमन आ सकता है आपको लग रहा है कि कुछ कॉमन आएगा रूट थ्री भी तीनों में नहीं आएगा टू भी तीनों में नहीं आएगा तो यहाँ पे एक काम हो सकता है दो दो में से कॉमन ले सकते हैं हम कौन कौन से पेयर में से स्टार्टिंग वाले पेयर में से ले लो या आ, लास्ट वाले पेयर जिसमें से टू आ सकता है या फिर जिसमें से आप देखो आंसर यहाँ पे भी छोड़ोगे तो गलत नहीं होगा लेकिन इसको थोड़ा आगे आप प्रोसीड कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो देखो यहाँ पे आप रूट थ्री लिख सकते हो यहाँ पे आप ले सकते हो टू कॉमन ले सकते हो टू और अंदर बचेगा आपका क्या रूट थ्री माइनस टू ओके सिमिलरली नीचे भी आप रूट थ्री को ये इस वाले रूट थ्री को आगे लिख दो और यहां पे भी आप टू कॉमन ले लो तो आपका बचेगा यहां पे रूट थ्री प्लस टू ठीक है अब यहां पे क्या करना है देखो ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं बिकॉज देर इज अ साइन यहां नेगेटिव साइन है अगर यहां पॉजिटिव साइन होता तो ये दोनों एग्जैक्टली exactly कैंसिल हो जाते आप बोलोगे रूट थ्री को रूट थ्री से कैंसिल कर देंगे ऐसा मत कर देना ऐसा मत कर देना कभी भी ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई में नहीं है अगर मल्टीप्लाई में होता तब ही ये आपका क्या हो सकता था कैंसिल हो सकता था तो यही छोड़ना पड़ेगा दिस इज़ योर आंसर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के एग्जामिनर देता है ठीक है कि आप कंफ्यूज हो और क्वेश्चन को गलत करो बट आपको नहीं करना है बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ नेक्स्ट चैप्टर तो समझ में आ गई बात आपको नहीं करना है गलत अब यहाँ तक आ चुके हो तो एक काम कर दो मेरा सब्सक्राइब कर दो यार है ना तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइव कॉस स्क्वायर सिक्सटी प्लस फोर अब यहाँ कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है जस्ट कैलकुलेट करना है तो चलो इसको भी कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट फटाफट फटा, यहाँ पे कैलकुलेशन ही मस्ट है देखो फाइव को एज इट इज रखो मल्टीप्लाई कर दो कॉस स्क्वायर सिक्सटी है मतलब सिक्सटी की वैल्यू वो भी स्क्वायर में तो कॉस सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई तो वन बाई का क्या करना है स्क्वायर करना है तो यहाँ पे आपको वन बाई का स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस फोर है प्लस फोर लिख दिया तो सेक थर्टी का स्क्वायर है तो सेक थर्टी की वैल्यू कितनी होती है टू बाय थ्री टू बाय रूट थ्री का भी स्क्वायर है ओके माइनस टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी होती है तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू होती है वन तो यहां पे आपको वन का स्क्वायर लिखना है सिंपल इज डिवाइडेड बाय डिवाइड है किससे साइन स्क्वायर थर्टी से तो साइन थर्टी की वैल्यू कितनी होगी वन बाई टू तो वन बाई टू का स्क्वायर करना है प्लस कॉज स्क्वायर थर्टी तो कॉज थर्टी की वैल्यू है आपकी रूट थ्री बाई टू तो रूट थ्री बाई टू का भी आपको स्क्वायर कर देना है ओके okay? अब इसको जस्ट कैलकुलेट कर देना है वैल्यूज आपको टेबल से देख के यहाँ पे पुट करनी है आप सोच रहे हो आपको सर को कैसे टेबल याद है तो बार 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 कर करके टेबल याद हो जाएगी आपको भी ठीक है जब आप मोर प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगी एक टाइम पे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको वैल्यूज पुट करनी है ट्राई टू सॉल्व Pause the video try to solve. चलिए मैं इसको करता हूँ। मुझे लगता है आपने कर लिया होगा तो यहां पर तो तो प्लस फोर इन टू टू का स्क्वायर क्या होगा फोर और रूट थ्री का स्क्वायर क्या होगा आपको पता है किसी भी चीज के ऊपर रूट और उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए तो रूट हट जाता है तो थ्री होगा माइनस वन का स्क्वायर होगा वन ठीक है इतनी बात समझ में आ गई डिवाइडेड बाय वन का स्क्वायर वन और टू का स्क्वायर फोर प्लस रूट थ्री में स्क्वायर करोगे तो थ्री आएगा और टू का स्क्वायर होगा फोर इस तरीके से आप इस वैल्यू को लिख सकते हो इसके बाद जस्ट मल्टीप्लाई कर दो तो वन से जब फाइव को करोगे तो फाइव वन जब फाइव फोर फोर सिक्सटीन बस इतना करना है उसके बाद आपको एलसीएम लेना है ठीक है तो यहाँ पे फाइव इन टू वन बाय फोर था ओके आगे था आपका प्लस फोर इंटू फोर बाय थ्री माइनस वन इस डिवाइडेड बाय वन बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर ओके तो वन से जब फाइव को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द आंसर फाइव बाय फोर ओके फिर उसके बाद फोर फोर जा सिक्सटीन हो जाएगा तो प्लस सिक्सटीन बाय थ्री माइनस वन डिवाइडेड डिवाइडेड बाय वन यहाँ पे वन क्यों लिखा क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं था एलसीएम में हेल्प लेने के लिए यहाँ पे जब डिवाइड में कुछ नहीं होता तो वन लिख लिख देते हैं हर नंबर के डिवाइड में वन होता है पता है ना ये बात दिस इज डिवाइड एंड यहाँ पे तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई करनी ही नहीं है तो वन बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर एज इट इज़ ओके अब क्या करना है मैं यही कर रहा हूं क्योंकि आपको बार बार पेज पलटने की ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ पे एल्सियम लेना है थ्री और फोर का तो थ्री और फोर का मैंने बोला एल्सियम लेने का सबसे अच्छा तरीका जो भी डिनोमीटर में उसको मल्टीप्लाई कर दो तो बाद में अपने आप अप कट जाता है तो यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे वैसे भी ट्वेल्व ही आता ठीक है अब कैसे करते हैं इससे पहले डिवाइड करेंगे तो थ्री आएगा फिफ्टीन आएगा यहाँ पे क्या आएगा फिफ्टीन ओके उसके बाद में फोर आएगा फिर प्लस सिक्सटी फोर आएगा ठीक है फिर ट्वेल्व आएगा माइनस ट्वेल्व ओके इस डिवाइडेड बाय ये पूरा डिवाइड हो रखा है किससे? फोर यहाँ पे एलसीएम लिया देन वन प्लस में थ्री तो ये तो वन बन जाएगा ठीक है बस आंसर बचेगा ऊपर वाला तो आगे चलते हैं यहाँ पे, देखो फिफ्टीन आपको पता है एक चीज बोर्ड मास पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट uh, करते हैं चीजों को पहले जोड़ेंगे तो यहां पे जब आप 15 प्लस में 64 करोगे 64 से 15 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 79 अब 79 आ गया ठीक है अब 79 में से आपको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा 12 तो यहां पे आएगा सेवन सिक्स सिक्सटी सेवन कितना आएगा 67 तो ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू ये तो वन बनने वाली है तो ऊपर आ गया आपका सिक्सटी सेवन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व और यहां पे आ गया आपका फोर डिवाइडेड बाय फोर तो ये तो कैंसिल हो गया बस नीचे यहां पे तो कुछ वन यहाँ पे क्या बचा वन बचा आंसर आया सिक्सटी सेवन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ठीक है तो सिक्सटी सेवन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इज योर आंसर यू कैन से दिस इज योर आंसर इफ यू एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स किसी भी टॉप पॉइंट पे आपको डाउट आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मतलब यहाँ पे आपको ए बी सी डी में से एक को चुनना पड़ेगा तो आप सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बड़ा स्मार्टली दे रखे हैं बहुत तेज तरीके से दे रखे हैं आपको कुछ नहीं करना जस्ट कैलकुलेट करनी है सबसे पहले इस वैल्यू को जैसे कि टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है तो यहाँ पे टू इंटू टेन थर्टी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो टू इंटू वन बाई रूट थ्री ठीक है डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन थर्टी की वैल्यू दोबारा से स्क्वायर हो रही तो वन बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर ओके अब यहां पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां आएगा टू बाय थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस वन का स्क्वायर वन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री यहां पर वन लिखेंगे टू कैलकुलेट फर्दर टू बाय रूट थ्री को यहां लिखेंगे इस डिवाइडेड बाय थ्री और वन में से एलसीएम क्या आएगा ऑफकोर्स थ्री आएगा फिर थ्री प्लस में वन तो जो कैलकुलेट होगी वैल्यू वो आने वाली है आपकी टू बाय रूट थ्री इज डिवाइडेड बाय फोर बाय थ्री इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में आंसर आने वाला है कितना ये रेसिप्रोकल होगा ये ये इससे रेसिप्रोकल होगा तो कितनी वैल्यू आएगी देखो तो टू बाय रूट थ्री इन थ्री ऊपर जाएगा फोर नीचे आएगा ये कैंसिल आउट हुआ कितना आया यहाँ पर टू तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी थ्री बाय टू रूट थ्री अब आपके दिमाग में आएगा यार ये तो किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं होती ना तो साइन सिक्सटी की होती ना कॉस सिक्सटी की होती ना टेन सिक्सटी की होती ना साइन थर्टी की होती तो इसका आंसर क्या होगा है ना तो देखो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है देखो कैसे थ्री बाय टू रूट थ्री वैल्यू होती है आपने एक चीज सुनी होगी क्या जब कोई भी चीज डिनोमीटर में आती है रूट में तो उसको आप क्या करते हो मल्टीप्लाई करते हो ठीक है कहा न्यूमरेटर और डिनोमीटर में तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री किया मैंने ओके तो यहां पे आया थ्री रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे तो थ्री बचेगा थ्री से थ्री कैंसिल बचेगा कितना थ्री बाई टू रूट थ्री बाई टू राइट तो यहां पे आप थ्री बाय टू रूट थ्री को ठीक है रूट थ्री इंटू रूट थ्री से मतलब कि आपको पता है कि कभी भी डिनोमेटर में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए ठीक है पता है ना आपको कि रैशनलाइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का तो रैशनलाइजेशन करते टाइम पे यही तो करते हैं कि किसी भी नंबर को रूट को डिनोमेटर में नहीं रखना है तो जब इसको निकालना है तो उसी वैल्यू से आप न्यूमरेटर में और डिनोमेटर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो जब जब मैंने इसको न्यूमरेटर और डिनोमेटर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में आंसर आया यहाँ पे रूट थ्री बाई टू तो दिस तो इज़ द फाइनल आंसर अब बताओ रूट थ्री बाई टू किस वैल्यू है रूट थ्री बाई टू ऑप्शन जो दिए हुए हैं उनमें से किसकी वैल्यू है तो साइंस सिक्सटी की वैल्यू देखो साइंस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है साइंस सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है साइंस सिक्सटी की वैल्यू होती है आपकी रूट थ्री बाई टू पता है ना साइंस सिक्सटी तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसमें मात खाते हो आप नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पे आपको टेन फोर्टी फाइव और टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू चाहिए दो बार ठीक है तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है वन होती है याद रखना वन तो वन माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस वन का स्क्वायर तो यहाँ पे जब वन माइनस वन करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा ज़ीरो अपॉन में वन करोगे तो ज़ीरो आ जाएगा सिंपल सी चीज़ है किसी को भी इसका आंसर पता होगा तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ज़ीरो तो आंसर ज़ीरो ऑप्शन डी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए इज ट्रू वेन ए इज वॉट इसका मतलब क्या है देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको समझना इंपॉर्टेंट है ठीक है कि साइन टू ए का मतलब समझाता हूँ साइन टू ए का मतलब समझाता हूँ मैं साइन टू ए क्या है यहाँ पे एंगल है ठीक है एंगल है ना कि कोई एक वेरिएबल है साइन टू ए पे कोई एंगल है इक्वल होता है क्या टू साइन ए के और होता है तो ए की वैल्यू क्या होगी तो देखो ए की वैल्यू का मतलब है कि ये जो ए है ना इसकी वैल्यू दोनों जगह सेम होनी चाहिए तो आप इनमें से जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी इन तीन चारों की वैल्यू यहाँ पे एक ही जगह पुट करके देखो पहले जीरो पुट करके देखो फिर थर्टी पुट करके देखो फिर फोर्टी फाइव पुट करके देखो फिर सिक्सटी पुट करके देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे दोनों एल और आर इक्वल किस कंडीशन में आ रहे होंगे तो यहाँ पे ज़ीरो डिग्री जब पुट करोगे साइन टू इंटू ज़ीरो डिग्री इक्वल टू टू साइन ज़ीरो डिग्री तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखो जब आप साइन टू इंटू ज़ीरो डिग्री पुट करोगे तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा एल एच एस में भी और आर एच एस में भी आपका ज़ीरो आएगा तो किस चीज़ के लिए फॉलो करता है ऑप्शन ए जीरो डिग्री के लिए फॉलो करता है आंसर आ गया आई होप यू गोट द पॉइंट नेक्स्ट है आपका थर्टी की वैल्यू पुट करनी है टेन थर्टी की वैल्यू है ना टेन थर्टी की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है तो टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है 1 by root 3 होती है टेन थर्टी वैल्यू ऑफ टेन थर्टी इज वन बाई रूट थ्री तो टू इंटू वन बाई रूट थ्री इज डिवाइडेड बाई वन माइनस अब टेन थर्टी की वैल्यू को स्क्वायर में वन बाई रूट थ्री को स्क्वायर में करना है ओके okay, स्क्वायर में कर दिया वॉट नेक्स्ट यहाँ पे मैंने स्क्वायर में भी कर दिया तो इसको जब कैलकुलेट करोगे देखो टू इंटू वन बाई रूट थ्री को मल्टीप्लाई किया ठीक है उसके बाद में वन माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर किया तो यहां पे जो ऊपर आंसर आएगा वो आएगा टू बाई रूट थ्री इज डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय थ्री ओके इसको जब आप कैलकुलेट करोगे नीचे वाली ऊपर वाली वैल्यू तो कैलकुलेट होगी नहीं ये एज इट इज रहेगी जब आप नीचे वाली वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे थ्री आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो थ्री माइनस वन देन यू विल गेट द वैल्यू अब ये भी वही थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है देखो थ्री माइनस वन करोगे तो टू आएगा यहाँ पे कितना आएगा टू तो टू बाई रूट थ्री एज इट इज रहेगा इज डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री अब आप इसको ऐसी प्रोकल करोगे तो टू बाई रूट थ्री इज मल्टीप्लाई विथ थ्री ऊपर टू नीचे ये कैंसिल थ्री बाई रूट थ्री अब आपको वही चीज़ लगानी कि डिनोमिनेटर में कभी रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो यहाँ पे रूट थ्री का थ्री बन जाएगा थ्री रूट थ्री बाई थ्री तो रूट थ्री अब आप मुझे बताओ रूट थ्री किस वैल्यू होती है रूट थ्री टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है तो आंसर विल बी सी ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन सी आंसर विल बी ऑप्शन सी समझ में आ गई मेरी बात तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ निकल के आएगा लेकिन आपको याद रखना है कि कभी भी रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं होती है अगर होती है तो वो एक रैशनल नंबर की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा उसको रैशनालाइजेशन जो हमने करना सीखा था उससे हम उसको रैशनाइज करते हैं नेक्स्ट दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन एवर और ये टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है बिकॉज़ दे वांट टू आस्क अगेन अगेन हर क्वेश्चन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं बोला क्या है कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट थ्री है टेन ए प्लस बी दो एंगल एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई रूट थ्री है तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या होगी तो फाइंड करना है आपको ए एंड बी तो यहां लिख सकते हो फाइंड ए एंड बी ठीक है तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे रूट थ्री टेन में किस एंगल पे आता है और वन बाय रूट थ्री किस एंगल में आता है बस उसी से ही सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं टेन ए प्लस बी वाले को लेते हैं तो रूट थ्री किस में आता है देखो टेन की सारी वैल्यूज बताता हूं मैं आपको सबसे पहले जीरो आता है फिर उसके बाद वन बाई रूट थ्री आता है थर्टी पे ठीक है जी फिर उसके बाद वन आता है फिर रूट थ्री आता है तो सिक्सटी पे आता है तो यहां लिख सकते हो टेन रूट थ्री को क्या लिख सकते हो टेन सिक्सटी डिग्री लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं अब क्या करना है वॉट नेक्स्ट तो देखो यहां पर क्या करना है कंपेयर करना है कि ये दोनों अगर बराबर है किस केस में टेन बराबर हो सकता है जब उसके एंगल बराबर होंगे तो आप बोल सकते हो कि ए प्लस बी जो होगा वो सिक्सटी डिग्री के बराबर होगा तो इसको इक्वेशन वन मान लो इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं ओके okay. इसके बाद में दूसरी इससे टेन ए माइनस बी से करते हैं तो वन बाई रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है थर्टी की होती है तो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री और यहां पे आप लिख सकते हो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन थर्टी डिग्री अब अभी भी आप कंपेयर करोगे तो ए माइनस बी जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा थर्टी डिग्री के इक्वल आएगा बॉस तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन ठीक है अब दोनों इक्वेशन से ए प्लस बी सिक्सटी ए माइनस बी थर्टी इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है ए प्लस बी इज इक्वल टू सिक्सटी ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी आपको पता है एलिमिनेट करेंगे बी माइनस होगा यहां पे। ए प्लस होगा तो टू ए इक्वल टू नाइन्टी और ए की वैल्यू क्या आएगी नाइनटी बाई टू जो कि होगा फोर्टी फाइव अगर ए फोर्टी फाइव है ए फोर्टी फाइव है तो बी क्या होगा ए की तो वैल्यू चलो फोर्टी फाइव आ गई तो यहाँ पे या तो ए में या बी में आप पुट कर दो ठीक है फोर्टी फाइव यहाँ पे मैं इक्वेशन ए में पुट ए इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन में पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे जब आप फोर्टी फाइव प्लस बी इज़ इक्वल टू सिक्सटी पुट करोगे तो बी की वैल्यू आएगी सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव जो कि होता है बी इज इक्वल टू होता है आपका फिफ्टीन तो बी की वैल्यू आ गई फिफ्टीन तो ये दोनों आपकी वैल्यूज होंगी फोर्टी फाइव एंड फिफ्टीन तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नीचे कि ए विल बी फोर्टी फाइव एंड बी विल बी इन दिस कंडीशन फिफ्टीन समझ में आ गया आपको समझ में आ गया ओके okay. नेक्स्ट यहाँ पे ये फाइनल क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स प्रूव करने हैं कैसे करेंगे ट्रू एंड फॉल्स क्या बोला है कि साइन ए पहले क्वेश्चन में बोला है साइन ए प्लस बी को क्या साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं देखो देखते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते पहला क्वेश्चन प्रूफ देखते हैं ट्राई करते हैं इन्होंने बोला है कि यस ऐसा लिख सकते हैं हम चेक करना है कि लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते तो देखो मैं यहां पे लिखता हूं साइन फोर्टी फाइव प्लस सिक्सटी या फिर कोई भी वैल्यू ले लो साइन फोर्टी फाइव प्लस साइन सिक्सटी तो देखो ये दो जो वैल्यू आएंगी ना टेबल से वो दोनों अलग होंगी और ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो अलग होगी तो ऐसा नहीं लिख सकते तो इसके लिए ये क्या हो गया फॉल हो गया ये झूठ है रॉन्ग है ये सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज वैन थीटा इंक्रीज अच्छा देखते हैं कि क्या इंक्रीज होता है कि नहीं होता है ठीक है तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखते हैं तो आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू पर पता होनी चाहिए साइन की वैल्यू क्या होती है जीरो वन बाई टू ठीक है वन बाई रूट टू रूट थ्री बाई टू एंड वन तो देखो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है जीरो थर्टी फोर्टी फाइव सिक्सटी नाइन्टी तो यहाँ पे वैल्यूज भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो ये क्या है ट्रू है आप बोल सकते हो सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रू सेकेंड जो ऑप्शन दे रखा है वो सही है ट्रू है थर्ड के लिए चलते हैं थर्ड में क्या दिया हुआ थर्ड को प्रूव करते हैं थर्ड में लिखा हुआ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट थीटा इंक्रीज वैन इंक्रीज द थीटा अच्छा तो कॉस् थीटा की वैल्यू क्या थीटा के मतलब एंगल के इंक्रीज होने पे टेबल में इंक्रीज होती है कि नहीं होती है? तो वन होता है फिर उसके बाद में वन से जाता है जीरो तक नाइनटी पे जीरो होता है तो डिक्रीज होती है तो ये क्या है फॉल्स है ठीक है नेक्स्ट है आपका कि साइन थीटा और कोस थीटा सारे एंगल्स के लिए इक्वल हो सकते हैं इट्स नॉट पॉसिबल सपने में भी, भी पॉसिबल नहीं है कैसे साइन थर्टी की वैल्यू अलग होती है और कोस थर्टी की वैल्यू अलग होती है तो ये क्या है फॉल गलत बात नेक्स्ट उन्होंने ने बोला है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इजरो डिग्री ऐसा हो सकता है कि कॉट जीरो डिग्री की वैल्यू नहीं पता हो हमको हो सकता है नहीं हो सकता तो ये चीज भी इन्होंने इन्होंने लिखी है वो है वो फॉल्स जो लिख रखा है वो लिख रखा है कि ए को जीरो डिग्री के लिए नहीं फाइंड कर सकते लेकिन हम तो कर सकते हैं तो इसलिए फॉल्स है तो दिस वॉज द कंप्लीट अगले लेक्चर में हम एट पॉइंट थ्री देखेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट थैंक यू वेरी मच